नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के वीडियो में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि संसार में जो कुछ आप करें वो सकाम भाव से न करें, सन्यासी की तरह करें तो आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं। आगे की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेसु चाप्यहम। देखिए, बड़ा ही प्रसिद्ध एक वाक्य है कि पिता के लिए तो सभी संतानें एक समान होती हैं, और जैसा कि पहले कह चुके हैं कृष्ण कि मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही धाता हूं, मैं ही पितामह हूं। तो इस संसार में अगर सबके पिता ईश्वर हैं तो सबको एक ही नजर से देखेगा, और उस बात को यहां कह रहे हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों में समान भाव से व्याप्त हूं। ऐसा नहीं है कि किसी प्राणी में ईश्वर का कम अंश है और किसी मनुष्य में ईश्वर का ज्यादा अंश है, नहीं नहीं, मैं तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान हूं। सारा संसार जो ईश्वर में समाहित है, जब ईश्वर स्वरूप है तो सर्वत्र समान भाव से विद्यमान है। नमे द्वेष्योस्ति न प्रिया, मेरे लिए कोई द्वेष्य नहीं है और मुझे कोई प्रिय नहीं है। जब ईश्वरीय भाव की बात करेंगे, उसकी नजर से देखेंगे तो समस्त संसार उसमें विद्यमान है, उसको सारे संसार में से कुछ भी अप्रिय नहीं है और कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन दूसरी पंक्ति में ही कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैते ते सुचापि अहम्। लेकिन जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, कंपनी है, उस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, कंपनी ने जिसको जिस पोस्ट पे जिस तरीके से रखा उसको उस पोस्ट पे उस तरीके की तनख्वाहें कंपनी देगी। लेकिन अगर आप कंपनी के हित में कुछ स्पेशल करते हैं तो आपका स्पेशल इनिशिएटिव बनता है, कंपनी भी आपके लिए कुछ करे, कंपनी करे ना करे। पर ईश्वर ये कहता है कि मेरे लिए ये समस्त सृष्टि जो है, ये समस्त ब्रह्मांड जो है, जो मेरे अंश से जन्मा है या जो मुझ में समाहित है, मेरे लिए वो समान है, एक जैसा है, कुछ भी मेरे लिए द्वेष्य नहीं है और कुछ भी मेरे लिए प्रिय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो जैसे मुझे प्रेम करते हैं ऐसे मैं उनको प्रेम करता हूं। भक्ति का अर्थ ये है कि आप ईश्वर से प्रेम करेंगे। अगर आप ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, अगर आप हमेशा ईश्वर को याद कर रहे हैं तो ईश्वर आपको याद करेगा, ईश्वर आपका प्रेम आपको प्रेम करेगा। तो जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे लिए हैं और मैं उनके लिए हूं, फिर वो निराकार स्वरूप और वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर वो समानता का भाव सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अब एक पिता की चार संतानें हैं, जो पिता का ज्यादा आदर सत्कार मान सम्मान उसका हर तरीके से ख्याल रखेगा, पिता को चारों पुत्र अपने समान रूप से प्यारे हैं, लेकिन जो स्पेशल उसके साथ व्यवहार करेगा तो पिता भी उसके साथ स्पेशल व्यवहार करेगा, माता भी उसके साथ उस तरीके का व्यवहार करेगी। ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। कृष्ण ने जो कहा वो ऐसा नहीं है कोई नई बात कह दी है, संसार में भी यही चलता है। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थितो हो ही सा। और यहां से एक और विशिष्ट बात श्री कृष्ण कह रहे हैं जो भक्ति की वजह से होती है। देखिए, आप जब भक्त बन जाते हैं तो किस प्रकार से आपको लाभ होता है, मैं यहां पे एक लौकिक उदाहरण के साथ भी इस बात को समझाऊंगा। यहां कहते हैं कि अपिचेत सुदुराचारो, यदि कोई व्यक्ति दुराचारी है, पापी है, अनाचारी है, लेकिन अनन्य भाव से वो मेरी भक्ति करता है, भजते माम अनन्य भाग,
साधुरे वो सब मंतव्या, तो उसको श्रेष्ठ और सज्जन ही मानना चाहिए। सम्यक व्यवसितो ही सहा, अगर वो भली भांति इस बात का निर्णय कर ले। आप एक चीज समझ लीजिए कि ईश्वर की भक्ति करने का निर्णय करने वाला पापी व्यक्ति भी फिर पाप नहीं कर सकता है, फिर तो वो भक्त बन गया, तो भक्त बन गया, फिर वो पाप नहीं कर सकता है। इसलिए अगर अनन्य भाव से कोई पापी भी मेरी भक्ति करता है तो साधु रे वो समंतव्या, उसको साधु मानना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं, महर्षि वाल्मीकि के लिए भी कहा जाता है कि पहले वो अंगुलीमाल की भी कथा आपने सुनी होगी, गौतम बुद्ध के साथ की। बहुत सारे ऐसे पापी दुराचारी रहे हैं, अजामिल की कथा तो आपको मालूम ही है, मैंने ही श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में आपको कही है कि जब व्यक्ति एक बार दृढ़ निश्चय कर लेता है कि उसको भक्ति करनी है, ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें लंबी प्रोसेस नहीं है, जन्म जन्मांतर की प्रोसेस नहीं है। आपको ज्ञानी बनना है, आपके जन्म दर जन्म निकल जाएंगे और आपको बहुत मेहनत करनी है, लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं तो ये बड़ा ही सरल रास्ता है, लेकिन दृढ़ निश्चय की बड़ी ही जरूरत होती है। मैं आपसे कहा था कि मैं आपको एक और उदाहरण इसके साथ में, लौकिक उदाहरण के साथ ये बात आपको बताऊंगा। तो एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी में एक साधारण वर्कर काम करता है, वो मैनेजर की पोस्ट का व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो साधारण वर्कर जो है वो बड़ी ही श्रेष्ठता के साथ बड़े ही अच्छे ढंग से कंपनी की हर बात का ख्याल रखता है। मैनेजर अगर डेस्परेट नहीं है, अगर वो समर्पित नहीं है, और वो व्यक्ति अगर समर्पित है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मालिक की दृष्टि में मैनेजर से ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। मालिक उसको ये कह के जाएगा कि इस मैनेजर पे ध्यान रखना कि वो क्या करता है। चाबी मैनेजर को देने का नंबर आए तो वो दे या ना दे, लेकिन उस व्यक्ति के पास चाबी रह पाएगी। ये एक भक्ति है, और भक्ति जो है वो आपको किसी पद किसी उससे नहीं प्राप्त होती है। भक्ति तो एक स्वभाव है, एक प्रकृति है, एक नेचर है व्यक्ति का। एक सुंदर सी कथा आपको सुनाता हूं, भक्तमाल की ही कथा है। एक पहलवान, नाम मुझे नहीं याद है, कथाएं याद है, अब नाम से नाम पे आप मत जाइएगा, भक्तमाल में जाएंगे कथा मिल जाएगी आपको। कभी मौका मिलेगा तो आपको पूरी भक्तमाल की भी कथा सुनाएंगे, सभी भक्तों की कथा सुनाएंगे। देखिए जीवन कब तक साथ देता है, और जब तक ये जीवन साथ देगा आपके साथ इसी तरीके से जुड़े रहने की इच्छा है। तो वो एक वेश्या के प्रेम में पड़ गया, और वेश्या के साथ भी प्रेम कैसा कि उसको हमेशा उस वेश्या का चेहरा देखते रहना है। वेश्या सुंदर भी थी, तो जहां भी वेश्या जाती उसके ऊपर छाता लगा के रखता, और वेश्या का मुंह देखने के लिए वो उल्टा चलता था, क्योंकि अगर वो आगे मुंह कर लेगा तो फिर तो वेश्या का चेहरा दिखाई नहीं देगा ना। तो उसको जहां भी जाना उसके साथ जाता था, उसके ऊपर छाता लगा के रखता था, लेकिन स्वयं उल्टा चलता था। और अब एक दिन वो वेश्या मंदिर में दर्शन करने गई, अब वो तो मंदिर में भगवान की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, और वो व्यक्ति भगवान की तरफ पीठ करके और छाता लगा करके वेश्या की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। ऐसे में उस पुजारी को बड़ी दया आ गई। उस पुजारी ने सोचा कि अरे यार, ये तो बड़ा ही श्रेष्ठ व्यक्ति है, कितना बड़ा प्रेमी है कि ये प्रेम के चक्कर में, देखो ना इसको मंदिर का ख्याल है, ना इसको किसी चीज का ख्याल है। उसने धीरे से उसको बुलाया कि भैया ऐसा क्या है कि तुम मंदिर में आके भी भगवान की तरफ पीठ करके खड़े हुए हो। उसने कहा कि इसका जो सौंदर्य है वो मुझे बड़ा ही लुभावना लगता है। पुजारी ने कहा अगर इससे भी अधिक सौंदर्यवान कोई चीज आपको दिखा दूं तो बोले मैं उसका दास हो जाऊंगा, मैं तो इसके सौंदर्य से इसका दास बनाऊंगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि एक बार इसको अपनी झलक दिखा दो, फिर इससे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। ये वो छोटा सा गुरु मिल जाए ना, जो आपको मार्गदर्शक बन जाए,
और उसने कहा कि आप एक बार इस मंदिर के दर्शन तो करो, इधर से जरा चेहरा इधर घुमाओ तो सही। और वो जैसे ही भगवान की मूर्ति के दर्शन करने जाता, भगवान की एक झलक उसको मिलती है, और उसके बाद तो वो कहाँ वेश्य और कहाँ ये दुनियादारी, बस वहीं भक्त बन के और उसी ईश्वर की आराधना में तत्पर हो जाया करता है। और ये जो कथा है ये हमें ये बताती है कि अगर आपको प्रेम करना आता है ना, तो आप व्यक्ति से करते करते ईश्वर से भी प्रेम कर सकते हैं। ये जो दुराचारी और पापी लोग होते हैं ये बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक फिल्मी डायलॉग है, आपने भी सुना होगा, कि बेईमानी में ईमानदारी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दुनियादारी में तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, आप लिखा दिखा दोगे, लेकिन बेईमानी में सारे सौदे सिर्फ जवान पे चलते हैं, और जब जवान पे सौदे चलते हैं जहाँ कुछ लिखा पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ ईमानदारी की बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये लोग बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं। अब ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति जो भले पापी हो, वो एक बार अगर सम्यक व्यवस्थितो हिसा, एक बार अगर उसने ये निर्णय कर लिया और माम अनन्य भाक, अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता है, साधु देव समन्तव्या, उसको सज्जन मानना चाहिए। और क्या कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीय नमे भक्ता प्रणश्यति। देखिए, भक्तों के लिए जो बातें कही गई हैं वो बड़ी ही श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान जहाँ खत्म होता है ना, भक्ति की शुरुआत वहाँ से होती है। हमारे यहाँ ये कहा ही जाता है कि जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, वो भगवान में उतना विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो ज़्यादा समझदार हो गए हैं। लेकिन भक्ति जो है वो विज्ञान से पर की बात है। और यहाँ तो हमें अगर समझना है तो श्रीमद् भगवद गीता और अध्यात्म ही हमें इसको सिखा सकता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो नराधम हो, पापी हो, दुराचारी हो, जब वो मेरी भक्ति करता है, जब वो दृढ़ निश्चयी हो जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो वो तुरंत ही धर्मात्मा हो जाएगा। फिर वो गलत काम नहीं कर सकता है, मैंने पहले ही आपसे कहा था, फिर वो गलत काम नहीं कर सकता। शश्वत शांतिम निगच्छति। और भैया मैं तो ये कहता हूं कि जो अच्छे मार्ग पे चलने वाले लोग होते हैं ना, वो कई बार उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस स्थान को ऐसे दुराचारी और पापी लोग जब धर्मात्मा बनते हैं तो वो प्राप्त कर लेते हैं। और जितने उदाहरण आप देखेंगे हमारे ग्रंथों में, उतने उदाहरण इस चीज को बिल्कुल प्रस्थापित करेंगे, चाहे महर्षि वाल्मीकि की बात हो या अजामिल की बात हो। वो शश्वत शांति निगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त करता है। कौन्ते प्रतिजानी है, हे कौन्ते, इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लो, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है उसका कभी नाश नहीं होता है। भक्त जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, भक्त जो है वो कभी गलत मार्ग पे नहीं चल सकता है। भक्त अगर वो हो जाएगा तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है, और जब नहीं कर सकता है तो उसका कभी संसार में बुरा नहीं हो सकता है। कितना भी कुछ भी हो, हिरण्यकश्यपु जैसा शत्रु जो उसका पिता है, जो दैत्य कुल का राजा है, जिसके जैसा पराक्रमी शक्तिशाली और कोई नहीं हुआ, वो भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाता। नमे भक्ता प्रणश्यति, ये जो गारंटी है ना, इस गारंटी पर तो विश्वास कीजिए जीवन में। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि शिव पाप योनयः, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। देखिए, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति में रत हो जाते हैं, वो पाप योनि वाले हों, स्त्री हों, वैश्य हों, शूद्र हों, किसी भी योनि में हों, वो उस परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, यहां एक स्त्री शब्द आ गया, और इसको लेकर के कुछ लोग ये कहने लग गए कि गीता तो स्त्री विरोधी है। भैया, आप पहले समझिए इस चीज को कि स्त्री शब्द का अर्थ क्या है। जो स्त्री होती है ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोह माया उसी के हिस्से में आती है। सबसे ज्यादा घर की चिंता, सबसे ज्यादा परिवार की चिंता, कोई भी काम करना है तो संदर्भ में अगर कंप्रोमाइज करना है तो सबसे पहले स्त्री को करना है।
उसकी जो स्थिति होती है, अगर आप उस स्थिति को समझे ना, तो उसके लिए सन्यासी होना, उसके लिए योगी होना बड़ा ही कठिन कार्य है। यहां स्त्री शब्द का अर्थ आप स्त्रीत्व विवक्षा के साथ ना लें कि जो शारीरिक रूप से स्त्री है, नहीं नहीं नहीं, यहां स्त्री शब्द का अर्थ आपको लेना पड़ेगा, इसको वैश्य के साथ रखा गया, इसको शूद्र के साथ रखा गया। वैश्य कौन है? व्यापार में लगा हुआ, धंधे में लगा हुआ, उसको यही चिंता रहती है, सुबह उठता है, शाम को सोता है, रात को आधी रात को आंख खुल जाती है और उसके दिमाग में यही चलता रहता, अरे यार इसको ऐसे करूं तो इसका ये फायदा होगा, नहीं तो ये तो नुकसान हो जाएगा। ये ऐसे स्त्री भी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहेगी, रात को 12 बजे भी उसको विचार आएगा कल क्या बनाओगे, अरे चना भिगोने बाकी रहेगा, चलो चना भिगो के आ जाओ। आधी रात को उठ करके कौन चना भिगोता है कि कल सुबह चना बनाने हैं? आधी रात को उठ करके कौन बच्चे को दवा देता है कि अरे मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं उसको दवा पिला दूं? आधी रात, अरे नींद तो सबसे प्यारी होती है लेकिन वो नींद को भी प्यार नहीं करती। स्त्री वो है जो संसार के कामों में इस प्रकार से फंसी पड़ी है कि वो इसमें से अगर मुक्त होना चाहे तो नहीं हो सकती है, उसको सारे जगत की इतनी चिंता है, इसलिए इसलिए वो अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहती है वो भक्त बन सकती है, वो भी भक्त बन सकती है, वो वैश्य भी भक्त बन सकता है, वो शूद्र भी अगर मेरी भक्ति करता है तो ये सभी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यह स्त्री को किसी हीन भावना से स्त्री नहीं कहा गया, लेकिन अब क्या कहें, अर्थ को जाने नहीं और अनर्थ करके और फिर गीता के ऊपर उंगली उठाते हुए ये कहें, अरे जो स्वयं में श्रीमद् भगवद् गीता स्त्री ले गए वो स्त्री के ऊपर कैसे किसी प्रकार का आरोप लगा सकते हैं? यहां तो ईश्वर की मार्ग के जो भी राहगीर हैं, जो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो ज्ञान के मार्ग पे चलना चाहते हैं, जो भक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, कौन सरलता से पहुंच सकते हैं? भाई रोज पत्नी घर पे चिमटा गरम गरम लेकर के पति को मारती हो, उसको वैराग्य हो जाए कि संसार तो मेरे लिए बेकार है। ध्यान कीजिए, तुलसीदास की कथा आती है, क्योंकि पत्नी ने कह दिया कि अरे जिस तरीके से तुम मेरे लिए दीवाने हो, अगर राम के दीवाने होते, भगवान के दीवाने होते, तुम्हें भगवान मिल जाते हैं। और इतना बोल दिया रत्नावली ने तो तुलसीदास तुलसीदास हो गए। तो स्त्रियां तो मार्गदर्शक रही हैं, लेकिन वो स्त्री जो है जब वो संसार में इतनी ज्यादा व्यस्त हो वो ईश्वर को प्राप्त कर पाए, ये बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि उसकी तो हर चिंता संसार से लगी हुई है। लेकिन यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं वो भी अगर इस भक्ति के मार्ग को अनुसरण करती है, यान्ति पराम गतिम, वो भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, फिर जो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है, भक्ता राजर्षि अस्तथा, भक्ति है राजर्षि हैं ये लोग जो हैं, अनित्य असुखम लोके इमं प्राप्य भजस्वाम, ये संसार ये अनित्य नाशवान, इस सब का संसार का परित्याग करके मेरा भजन जब वो करें तो वो क्यों नहीं उस परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यहां नौवां अध्याय अपनी पराकाष्ठा पे जा रहा है, पूर्ण होने को जा रहा है, और भक्ति का जो सिद्धांत श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं वो भी पराकाष्ठा पे है। आप ये चीज समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति करने वाला भक्त तो भगवान को प्राप्त कर ही सकता, पर कोई पापी हो, कोई दुराचारी हो, इस संसार में व्यस्त स्त्री हो, या अपने व्यापार में व्यस्त व्यापारी बनिया हो, या सिर्फ दुनियादारी की परेशानियों में पड़ा हुआ शूद्र हो, वो भी अगर भक्ति करते हैं तो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों की, राजर्षियों की, भक्तों की तो बात ही क्या की जाए, लेकिन ये सभी लोगों के लिए जरूरी है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, ये जो अनित्य हैं, जिनकी कोई निश्चित गति ही नहीं है, ऐसे सुखों को, ऐसे लोगों को परित्याग करके भजस्वमा मेरा भजन करते हैं, उनके लिए ये नियम है। इसलिए नौवें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। इसलिए हे अर्जुन,
मन मना भव, मुझ में अपने मन को जोड़ दे। मद भक्तो मेरा भक्त हो जा, मद्याजी मेरी ही उपासना करने वाला, माम नमस्कुरु मुझी को प्रणाम करने, सब कुछ मुझ में समाहित कर दे। तेरा मन मुझसे जोड़, तेरी भक्ति मेरी भक्ति कर। उपासना करनी है, यजन करना है, पूजन करना है, मेरा कर। नमस्कार करना है, किसी की शरण में जाना है, किसी की प्रशंसा करनी है, किसी के गीत गाने हैं, तो मेरे गा। मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायण। जब तू इस प्रकार से मेरी भक्ति करेगा, मुझ में अपने मन को जोड़ देगा, मत्परायण हो जाएगा, तो बस फिर मत्परायण हो जाएगा, फिर तू मुझी को प्राप्त कर लेगा। फिर मुझसे अलग तेरा कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। जो मैं हूं वो तू है, जो तू है वो मैं हूं। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस संसार की मोह माया का परित्याग करना पड़ेगा, उस ईश्वर की भक्ति में खो जाना पड़ेगा। विज्ञान काम नहीं करेगा, ज्ञान काम नहीं करेगा, यहां सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा काम करती है, यहां सिर्फ और सिर्फ भावना काम करती है, और तब इस प्रकार की भक्ति की प्राप्ति हो पाती है। धन्यवाद। यहां करके जो गीता का 9वां अध्याय है, जिसका नाम राज विद्या राज गुह्य योग है, फिर से इस चीज को समझ लीजिए। सभी विद्याओं में ये श्रेष्ठ विद्या है, इसलिए इसको राज विद्या कहा गया है। और ये जो गुह्य योग शब्द का प्रयोग किया, ये ऐसा गुप्त है, ये ऐसी राज की बात है जो साइंस से नहीं समझी जा सकती है, जो टेक्नोलॉजी से नहीं समझी जा सकती है। जिसको समझने के लिए तो कृष्ण जैसा वक्ता चाहिए और अर्जुन जैसा श्रोता चाहिए, कृष्ण जैसा गुरु चाहिए और अर्जुन जैसा शिष्य चाहिए। मैंने आपको वो कथा सुनाई कि पुजारी ने कहा भगवान से कि एक झलक तुम्हारी दिखला दो, ये बेचारा दीवाना जो है ना, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। ऐसा कोई गुरु चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दे दे, तो ही ये राजगुह्य योग समझ में आता है। धन्यवाद मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।